और बड़े से बड़े पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए हमें कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए, पंडित जी बता रहे हैं। पंडित जी देखिए, अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों के नाम से मंदिर में दूध, चीनी, सफेद कपड़ा और दक्षिणा ये दान करना चाहिए। ज्यादा करके ये दान शिवालय में करना चाहिए। आजकल के मंदिर तो डिपार्टमेंटल स्टोर हो गए हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए। उसमें आपको शिव जी भी मिल जाएंगे, गणेश जी भी मिल जाएंगे, हनुमान जी भी मिल जाएंगे, राम सीता भी मिल जाएंगे, राधा कृष्ण भी मिल जाएंगे, और तो और उसी में एक कोने में साईं बाबा को भी बैठा दिए हैं ले जाके भैया लोग। और बाहर दुकानदारी करने के लिए अब 4-5 सालों में सबके हर मंदिर के सामने एक शनिदेव भी आपको मिल जाएंगे। तो ये डिपार्टमेंटल स्टोर वाले मंदिर में मत जाइएगा, उस मंदिर में जाइएगा जिस मंदिर में केवल और केवल शिवालय हो। शिवालय का मतलब जो पिरामिड के आकार का हो, जिसमें मध्य में शिवलिंग स्थापित हो, बाहर जहाँ नंदी स्थापित हो, उस शिवालय में जाकर के और अभिषेक करिए शिव जी का, और उन्हें जैसे हो सके अच्छे ढंग से पूजन करिए। अगर ये पूजा आपने शुरू कर दिया तो भगवान शिव की कृपा से पितर दोष भी नष्ट होगा, घर के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है, और अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई है तो उसके निमित्त पितृपक्ष में पिंडदान करिए, नारायण बलि करवाइए, और ग्रहण के समय, ग्रहण के बाद दान अवश्य करिए। जन कल्याण के लिए कार्य करिए, वृक्षारोपण करिए, सामाजिक स्थलों पर जल की व्यवस्था में सहयोग दीजिए। नाग स्त्रोत, महामृत्युंजय मंत्र, रुद्र सूक्त, पितृ सूक्त, नवग्रह स्त्रोत का पाठ करिए। सोमवार सुबह स्नान करके नंगे पैर शिव मंदिर जाएं। किसी मृतात्मा को लगातार 3 वर्षों तक श्राद्ध नहीं किया जाए तो जीवात्मा प्रेतयोनि में चली जाती है। ऐसी प्रेतात्माओं की शांति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध कराया जाता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में पितर दोष है, परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई है, तो भी जीवात्मा प्रेतयोनि में चली जाती है। ऐसी स्थिति में नारायण बलि जरूर कराना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी।